आज कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की, नहीं 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 रावी की, ओए नहीं रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा, इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पास डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जानते। लेकिन हुन पै गया स्यापा, पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया, पर सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने। रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। ये भी लग गया, ला दे दूसरी लड़ी। दूसरी? अरे रोना लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। रावी अभी पोस्टर दे बेटा। अरे अमृता ये क्या कर रही हो तुम? आज तो अक्षय तृतीया है और रविंदर बेटा के लिए बाजार से सोने का कड़ा भी लेना है और ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट भी होगी। बहन जी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो इसीलिए तो मैं ये पोस्टर लगा रही हूँ। एक और साल किस चीज का? हमारी सारी बेटियों को जिंदगी में बेस्ट देना भी तो इन्वेस्टमेंट है, इसलिए अपनी बेटियों को एक साल और पढ़ाते रहिए ताकि उनका भविष्य मजबूत बने और उनके चेहरे पे ये स्माइल जिंदगी भर बरकरार रहे। भाई मैं तो इस कॉज को पूरा सपोर्ट करती हूँ। अच्छा ये तो बढ़िया है, इसको मैं भी सपोर्ट करना चाहती हूँ, मगर कैसे? सिंपल है, ये देखो 09967199671 पे सिर्फ एक मिस्ड कॉल कीजिए और क्लिनिक प्लस के साथ इस कॉज को सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही। राक्षस की तरह हंसना किसने सिखाया? मुझे तो ये लेडी कपड़ सिंह की आवाज लग रही है। तुम लोग जलो मत, जली को राख कहते हैं, बूझी को राख कहते हैं और जलने के लिए आग चाहिए जो यहाँ नहीं है, तुम जलेगे कैसे ना? हाँ सही बात है। जी मुझे मालूम था तुम ऐसे बेवकूफी वाली बात करोगे। हाँ बंदरिया, क्योंकि बिना बात के हंसना सबसे बड़ी बेवकूफी है। मैं बिना बात के नहीं हंस रही थी। तो फिर किस बात पे हंस रही थी जैमी? क्योंकि मैं खुश हो रही थी, पापा ने मुझे कहा है कि वो अच्छा सा तोहफा देंगे मुझे आज। क्यों तुझे कौन सा बड़ा मेडल मिल गया जो तुझे तोहफा देंगे तेरे पापा? तोहफा सिर्फ मुझे ही नहीं, आज का स्पेशल दिन पूरी दुनिया को मिलने वाला है। ये मतलब आज अक्षय तृतीया है। अक्षय कौन? तुझे तो कुछ पता नहीं। मुझे मालूम है, मम्मी ने बताया था अक्षय तृतीया मतलब भगवान परशुराम का जन्मदिन। हाँ ये बहुत शुभ दिन है। शुभ दिन पर हंसने का रिवाज है क्या? तू तो इतनी खुश हो रही है बंदरिया। मैं खुश इसलिए थी क्योंकि मेरे पापा मुझे एक सोने का हार दिलवा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो बहुत ही सुंदर होगा। मुझे भी दिखाना है जैमी। हाँ ठीक है। इसे नरेंद्र बोलने की जरूरत नहीं है, जब इसके पास सोने का हार आएगा ना तो ये पूरे पिंड में पूरे 5 दिन तक घूमती रहेगी हार लेकर ऐसे। ओए रविंदर मैं सोच रहा था कि तू भी तो एक लड़की है तो तुझे सोने के हार या फिर चांदी की अंगूठी अच्छे नहीं लगते क्या?
मैंने सुना है कि सभी लड़कियों को सोने के गहने अच्छे लगते हैं। मम्मा 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 मम्मा, मैं कुछ सोच रही हूँ। अरे क्या सोच रही है मेरी गुड्डो? मम्मी, वो जैमी को रंजन अंकल सोने का हार दिलवा रहा है, अक्षय तृतीया है ना? हाँ, तो मुझे भी कुछ सोने का पहनना है मम्मा, प्लीज। अरे मेरा बच्चा, मुझे पता है, मुझे पता है तू बहुत सी चीजों को लेके अपना मन मार। वो की मन मरी जाने ऊपर जाई जी किदा? अरे ये रावी का, इसे भी ना वो जैमी की तरह सोने के हार और वो बुंदे चाहिए पहनने के लिए। आप चाहिए मुझको बस। अरे तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ, तुझे टेंशन ना लो। हम अपनी रावी के लिए सोने का सेट क्या और सोने के खजाने से भर देंगे इसको। ये, 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 ये। वीर जी बनवा तो दूं, लेकिन ये पहनेगी कैसे? और सबसे बड़ी बात, अगर कहीं पापा जी ने देख लिया तो उनको क्या जवाब दूंगी कि किसके लिए बनवाया मैंने? बस एनी जी गल पर जाए जी। हाँ। ओ तो तुसी बिल्कुल ही टेंशन छोड़ दो, मेरे ना दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। हम ना पापा जी को ये बोल देंगे कि ये जो सोने का सेट है हम आपके लिए लेके आए। ओ इससे भी बड़ी आइडिया ये है कि हम पापा जी को ये बोल देंगे कि ये सोने का सेट ना हम रविंदर की होने वाली बहू के लिए लेके आए हैं, तो वो कुछ कहेंगे भी नहीं। मेरे दिमाग में ये आइडिया आया ही नहीं। और आ गए बंदरिया, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। पर मुझे तो करनी है। क्यों करनी है? यही बताने के लिए, तुझे तो सिर्फ सोने का हार मिल रहा है, अपने रविंदर को तो सोने का सेट मिल रहा है। उसमें पता है क्या होगा? सोने का हार, बूंदे, चुड़िया, सब होगा, समझी बंदरिया? सोने का सेट? पर रविंदर तो लड़का है। स्यापा। स्यापा, स्यापा। ये लंगूर क्या?